नमस्कार। सफलता एक नशा है और सफलता का नशा जिस पर चढ़ता है वो इतनी आसानी से उतरता नहीं है। तो सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के जीवन में अप्रैल के महीने में सफलता का नशा ऐसा चढ़ेगा कि उतरे नहीं उतरेगा। और ये सफलता का नशा चढ़ाएगा कौन? ये चढ़ाएंगे ये पांच शुभ संकेत। ये पांच शुभ संकेत आपके जीवन में खुशहाली ले आएंगे। आप डूब जाएंगे सफलता के नशे में। जैसे रसगुल्ला देखा है आपने, चाहे ब्लैक वाला हो, चाहे व्हाइट वाला हो, सफेद वाला हो, वो चाशनी में डूबा रहता है, है? चाशनी में डूबा रहता है और बड़ा मुलायम होता है खाने में। ऐसे ही आप सफलता की चाशनी में डूबे रहेंगे। और रसगुल्ले के एक एक छेद में रस भरा होता है, मीठा मीठा। ऐसे ही आपके शरीर में जितने बाल है ना, जितने रोम हैं, वहां सफलता घुस जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे ये सफलता घुसेगी और क्यों घुसेगी। हवा में बात नहीं करेंगे, प्रमाण के साथ बात करेंगे और ये जानकारी चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं। राजा तो आप वैसे ही सिंह राशि, शेर, सूर्य, स्वामी, राजा तो आप हैं, क्रोधित भी होते हैं। सबको अपने हाथ के नीचे दबा कर रखना आपकी आदत है। अब राजा तो ऊंची कुर्सी पर बैठेगा, राजा वाले ठाट बाट तो आपके अंदर पाए ही जाते हैं। तो पहला शुभ संकेत आपको क्या मिल रहा है? पहला शुभ संकेत आपको मिल रहा है राहु के द्वारा। राहु 12 अप्रैल को नवम भाव में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य को चमका देंगे। राहु को आपको शुभ बनाकर चलना है तो सही वक्त पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेट लतीफी नहीं होगी, फिर आप अपनी किस्मत की बुराइयों का हरण करेंगे। राहु धर्म की तरफ आपको लेके जाएंगे तो धार्मिक बन जाइए, धर्म में काम करिए। धार्मिक काम करने का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करिए, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था रखिए, अपने धर्म से जुड़िए और ईश्वर के कामों को करिए। ईश्वर का डर आपके मन में होगा, आप कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। बुरा करने से पहले आपके मन में आएगा ना, ये करने से मुझे ईश्वर माफ नहीं, भले कोई ना देख रहा हो। सड़क पर आप जा रहे हो, आपको 500 का नोट मिल जाए, एक मन कहेगा उठा लो और छुप करके जेब में रख लो, लेकिन दूसरा मन तुरंत कहेगा ना ऐसा मत करना। आप उसको उठाएंगे और किसी अगर उसका असली हकदार नहीं मिलेगा तो किसी सही जगह पर उसको मंदिर वगैरह में या धर्म स्थान में दान कर देंगे या उसी पैसे से किसी का पेट भर देंगे, अपनी जेब में नहीं रखेंगे। क्योंकि आपको डर होगा कि ईश्वर देख रहा है और इसी का आपको फायदा मिलेगा। विदेश भ्रमण होगा, धार्मिक कार्य हो सकते हैं आपके हाथों से, भाई बहन से रिश्ते बेहतर होंगे। राहु का शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होगा तो आप अपने प्रोफेशनल जिंदगी में सफल होंगे। जो भी लोग शनि से संबंधित काम करते हैं उनके तो वारे न्यारे होने वाले हैं। किसी भी प्रकार का तंबाकू, गुटखा, सिगरेट का सेवन मत करिएगा, करते हैं तो बचने की कोशिश करिएगा वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आप धर्म के विरोधी मत होइएगा, नशे से बचिएगा। अपने नाखून जो होते हैं हाथ के नेल से नाखून, इनको बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दीजिएगा, वक्त रहते ही काट लीजिएगा और राहु को शुभ बनाने के लिए उपाय करिएगा। फिर आप ये समझ लीजिए अगर आपने इतना कर लिया तो राहु एक ही काम करते हैं, चमत्कार। तो अलादीन का चिराग आपकी ज़िंदगी में आएगा और आप घिसेंगे और सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा शुभ संकेत आपको मिलेगा गुरुदेव की कृपा से, यानी देव गुरु बृहस्पति की कृपा से। मीन राशि में होंगे 13 अप्रैल से, भाव होगा अष्टम, तो परीक्षा और प्रतियोगिता में आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, अच्छी तरक्की, अच्छी सफलता पाने की संभावना बढ़ेगी। पारिवारिक रिश्ते में एक दूसरे का सपोर्ट होगा, एक दूसरे का भरोसा होगा, आपको कड़ी मेहनत के बल पर अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपकी परेशानियाँ जो हैं सेहत संबंधी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। आप हर मामले में लकी रहेंगे, अपनी सेहत को बढ़िया होता देखेंगे, सांसारिक सुखों को देखेंगे। ये परेशानी के वक्त
इंसान में को मत बुलाइएगा। परेशानी के वक्त आप सोच रहे होंगे मेरा भाई मदद कर दे, मेरी माँ मदद कर दे, मेरा पड़ोसी मदद कर दे, ना, परेशानी आएगी, ईश्वर खुद आपकी मदद कर देंगे, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। यानी भगवान हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं, मुसीबत आई भगवान हल कर देंगे। आप दान पुण्य भी करेंगे, आप अपने राज किसी को नहीं बताएंगे, आप बस अपनी यारी दोस्ती में ना पैसा वैसा उधार मत दीजिएगा। भगवान विष्णु की आराधना करें, धार्मिक बने रहें, उच्च स्तर की गंभीरता प्राप्त करने वाले आप इंसान होंगे, सोच समझ कर फैसले लेंगे। आप ये समझ लें ये वक्त बहुत बेहतर है, परेशानियों का अंत करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जो मेहनत करेंगे, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेहनत सफल होगी। आपको तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा बुध की कृपा से। बुध 8 अप्रैल से 21 अप्रैल तक नवम भाव में होंगे। आपके जीवन में अपार सफलताएं बुध लेकर आएंगे, एक के बाद एक सफलता मिलती चली जाएगी। बुध की कृपा के कारण आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका मैनेजमेंट, आपका काम करने का तरीका बेहतरीन होगा, अव्वल होगा, नंबर वन होगा, आपका करियर शानदार होगा, नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी नाम का जो ठप्पा है वो हट जाएगा, बढ़िया काम होगा, परिवार में पैसा दे पाएंगे, आप नाम और काम दोनों कमाने वाले होंगे, आपका नाम भी बोलेगा, आपका काम भी बोलेगा, आप जो ठान लेंगे वो करके दम लेंगे, भाग्य का साथ होगा, आमदनी होगी, धन जोड़ना आसान होगा, परिवार के साथ बढ़िया रिश्ते होंगे, एक बढ़िया टाइम बिताएंगे परिवार वालों के साथ, कम वक्त में बड़े बड़े कारनामे करने वाले, सफलता पाने वाले इंसान होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ खड़े होंगे वहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, जहाँ पर बोलेंगे वहाँ पर लोग सुनेंगे, दमदार वक्त होगा, दमदार सफलता का आगाज होगा। चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब बुध और सूर्य की युति होगी 14 से 25 तक, यह समय बहुत ही शानदार होगा, तेज दिमाग होगा, सीखने की चाहत होगी, सिखाने की चाहत होगी, जो सीखा है उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल कर दुनिया को दिखाने की ताकत होगी, कुछ आविष्कार करने की ताकत होगी, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, छोटे मोटे काम तो दुनिया करती है, कुछ बड़ा करेंगे, सरकारी गैर सरकारी नौकरी पर बड़ा पद हासिल करेंगे, आप ज्ञानी होंगे, और जिसके पास ज्ञान है वो इस दुनिया में सब कुछ पा लेता है। आपके पास ज्ञान भी होगा, आपके पास विज्ञान भी होगा, आपके पास धर्म भी होगा, आप जहाँ होंगे सफलता वहीं पर आकर रुक कर तालियां बजाकर आपका स्वागत करेगी, और सफलता की जो सीढ़ी है आप चढ़ जाएंगे। धार्मिक होंगे, धनी होंगे, सम्मानित होंगे, जनता के चहेते होंगे, जनता के प्रिय होंगे, सरकारी बड़े पदों पर बैठने वाले इंसान होंगे, कार्य क्षेत्र व्यापार में प्रदर्शन बढ़िया होगा, शिक्षा में महाशानदार तेज दिमाग होने के कारण आप दुनिया को हिला देंगे, इतना दिमाग तेज होगा कि जैसे नींबू में से एक एक बूंद रस निकल जाता है ना, ये भी छोड़िए, कभी आपने देखा होगा गन्ने को जब रस निकलता है तो मशीन के अंदर जाता है तो एकदम उसको निचोड़ देता है उसका जो गन्ने वाला होता है, वैसे ही समझ लीजिए आप दुनिया को निचोड़ के रख देंगे, दुनिया का जो सारा ज्ञान है आपके अंदर आ जाएगा, और अपने उस ज्ञान से और अपने अनुभव से आप कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे जिसको दुनिया सलाम ठोकेगी। पांचवा शुभ संकेत आपको मिलेगा फिर से यहाँ पर बुध जो है 25 तारीख से दशम भाव में होंगे। आप समझ लीजिए आपके लिए बढ़िया ही बढ़िया है, आप खुद को साबित कर देंगे, आप कहेंगे मैं ही वो इंसान हूं जो मैं कर सकता हूं, मेरी छाती में वो आग जल रही है, मुझे कुछ करना है, मैं साबित करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। आप अपने सीनियर और जूनियर सभी का सपोर्ट पाएंगे, अगर कोई साथ नहीं देगा तो आपका दिमाग और आपका अनुभव आपके साथ होगा, आप काम करके दिखाएंगे, आपके अंदर जुनून होगा, जज्बा होगा, आप कुछ करने का दम रखेंगे, ऐरी गैरी जिंदगी नहीं जिएंगे, सुबह गए शाम को घर वापस आ गए, ऐसा काम नहीं, कुछ बढ़िया करेंगे, जायदाद के मालिक होंगे, धन संपत्ति मान सम्मान के मालिक होंगे, सपोर्ट होगा ईश्वर का, सपोर्ट होगा अपनों का, आप जीवन में कुछ बढ़िया करेंगे, परिवार के जो काम धंधे हैं उनको भी आप बढ़िया चलाएंगे, घर के काम भी बढ़िया चलाएंगे, अपने काम में भी तरक्की पाएंगे, आप सभी को चारों खाने चित्त कर देंगे, जमीन गाड़ी घर बंगला
सब कुछ आपके पास होगा, मान सम्मान आपके पास होगा। अगला छठा शुभ संकेत आपको देंगे, शनिदेव 29 अप्रैल से षष्ठ नामक योग बनाएंगे सप्तम भाव में। मैं यही कहूँगा, जो कुछ भी आपके पास नहीं था वो अब मिलना शुरू हो जाएगा। जो नहीं था, जो आप दूसरों के घरों में देखते थे, जो आप दूसरों के बंगलों में देखते थे कि काश कभी मेरे घर में भी ये होता, काश कभी हम भी ये बड़े बड़े होटलों में खाना खाते, काश मैं भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता, काश मेरा भी एडमिशन बड़े अच्छे स्कूल में हो जाता, काश मेरे पास भी ब्रांडेड कपड़े होते, काश मेरे पास भी बढ़िया जीवन साथी, बढ़िया घर, बढ़िया बंगला, बढ़िया सुख होते, काश मेरे घर में भी कूलर हटे और बढ़िया एसी लग जाए, काश मैं भी हवाई जहाज की यात्रा करूँ। ये जो आपने सोच रखा था, ये जो आपने सोच रखा था अब तक पूरा नहीं हुआ, अब पूरा हो जाएगा, इस महीने में पूरा हो जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, कानूनी मामलों के आप जानकार होंगे, बेहद ही शानदार वक्त होगा। ये ऐसा वक्त होगा, ये ऐसा महीना होगा जिसको आप भूल नहीं पाएंगे। ये तरक्की का महीना है, करियर बनाने का महीना है। 10 चीजों को मिलाकर कुछ बढ़िया करने का तरीका है। मैग्नेट देखा ना, मैग्नेट चुंबक, चुंबक मिट्टी में कभी आप चलाइए, उसमें धागा बांध लीजिए और खूब ऐसे जहां मिट्टी है तो बच्चे खेलते हैं वहां पे चलाइए, छोटे 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 उसमें लोहे के वो जुड़ जाएंगे, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, कील होगा, ये होगा, वैसे ही छोटी छोटी जो सफलताएं हैं वो आपके साथ जुड़ जाएंगी। अब आप कहेंगे चुंबक का एग्जाम्पल क्यों दिया, मिट्टी का एग्जाम्पल क्यों दिया? जब आप उसी मिट्टी पे चलते हैं तो आपको नहीं पता होता ना कि कितनी छोटी छोटे लोहे के कण में छुपे हुए हैं, आपको कभी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन एक बार चुंबक उसमें फेंकिए, पता नहीं सैकड़ों उसके अंदर छोटे छोटे कण चिपकते हुए दिखाई पड़ेंगे लोहे के। ऐसे ही इस महीने में ये सफलता के 5 शुभ संकेत वो छुपी हुई सफलता आपको दे देंगे जो आपके सामने थी लेकिन आपने कभी देखी नहीं। बस अब वक्त आ गया है, आपके अंदर ये ग्रह आपको चुंबक बना देंगे, जो आसपास आपकी सफलता है वो आपसे चिपक जाएगी। चिपकने का मतलब है कि आपको मिल जाएगी और आप हो जाएंगे सुखी। यकीन ना हो तो 2 काम करके देख लीजिएगा, सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलेगा, उन्हीं 2 लोगों को नहीं मिलेगा ये सारा कुछ, उन 2 लोगों को बता रहा हूँ कौन से वो लोग होंगे। पहले वो लोग होंगे जो जन्म कुंडली को अपनी सही से आज तक उन्होंने परखा नहीं, जन्म कुंडली में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उपाय नहीं किए, सारे ग्रह उल्टे सीधे हैं, इधर हैं उधर हैं, तो जो लोग अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों को बैलेंस नहीं करेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिल जाएगा तो मिल जाएगा। दूसरे वो लोग होंगे जो सिर्फ बातें करेंगे काम नहीं करेंगे, निकम्मे होंगे, आलसी होंगे, और उसी कैटेगरी में दूसरे वो लोग होंगे जो मेहनत ही नहीं करेंगे, निकम्मा या मेहनत ना करना एक ही बात है। तो जो मेहनत नहीं करेगा, जो अपने सितारों को मजबूत नहीं करेगा, उनके लिए दिल्ली अभी दूर है, और जो लोग ये काम करेंगे उनके लिए दिल्ली नज़दीक है। राज करिए दिल्ली पर, राज करिए दिल्ली पर, राज करने का मतलब है सफलता की गद्दी पर राज करिए। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ही ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हजारों सैकड़ों लोग पिछले 2-4 साल से मेरी वीडियोस देख देख के बहुत सफलताएं उनको मिली हैं और मुझे बड़ी खुशी है। मैं तो चाहता हूं वो और सफलताएं पाए, आप भी पाए। आपका दिल खुश करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। जो समझ गया वो ज्ञानी, जो न समझा वो तो ऐसे ही घूमता रहता है। समस्या है, परेशानी है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। कुंडली में ग्रह अगर बिगड़े हैं तो आप ये मान लीजिए आप खुद से तो सुधार नहीं पाएंगे, अगर सुधार सकते हैं तो सुधार लीजिए, लेकिन उम्मीद मत रखिएगा उल्टा सीधा और करके कहीं परेशान ना हो जाए। थोड़ा बहुत पैसे का खर्चा जरूर हो जाएगा, अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपने ग्रहों को सुधार लीजिए। सुधरेंगे तो आपके सुधरेंगे, मेरे नहीं सुधरेंगे, हम तो बस आपको रास्ता बताएंगे, उपाय बताएंगे, बस यही कहूँगा। अगर सब सही है तो आपके लिए ये महीना बहुत ही आनंद का होगा, शानदार होगा, यकीन रखिए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। नमस्कार।